राजस्थान के कैबिनेट मंत्री और उदयपुर की झाड़ोल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी मिली है। आपको बता दें, उन्हें यह धमकी व्हाट्सएप ग्रुप में दी गई है। मंत्री ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने आरोपी युवक को डिटेन किया है। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। एक के बाद एक चार मैसेज भेजे गए। दरअसल झाड़ोल विधायक बाबूलाल खराड़ी ने कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ लेने के बाद पहली बार रविवार को उदयपुर वापसी की। उदयपुर आने के बाद उनका पहला दिन तो उदयौर और आसपास की जनता के नाम रहा। इसके बाद लगातार उनका उनके विधानसभा क्षेत्र में दौरा चल रहा है। ग्रामीण एरिया में अलग अलग कार्यक्रम में मंत्री खराड़ी पहुंच रहे हैं और लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। बुधवार को भी उनके दौरे हो रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक सूचना को साझा किया। इस दरमियान उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत जेड और कुकावस का जेड छात्रावास सुबह 10 बजे, ग्राम पंचायत मांडवा एवं बाखेल 11 बजे, कोदरमाल 12 बजे, खजूरिया विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर 12:30, धधमता विकसित भारत शिविर में 1:30 बजे और नयावास गोरकुंडा माताजी 3 बजे प्रवास कार्यक्रम है। अंतिम कार्यक्रम गोरकुंडा में हुआ, जहां नहीं आने की ही उन्हें धमकी दी गई, लेकिन खराड़ी गए और कार्यक्रम हुआ भी। दरअसल जिस गौरकुंडा माताजी के स्थान की वो बात कर रहे हैं, वो कोटड़ा क्षेत्र में है, जो कि मंत्री के झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। इसी स्थान के नाम का जय श्री माँ गौरकुंडा वाली नयावा नाम से व्हाट्सएप ग्रुप वहीं के क्षेत्रवासियों ने बनाया हुआ है। इस ग्रुप का एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ। इसमें सुबह 8:17 के आसपास मंत्री के प्रवास कार्यक्रम का मैसेज डाला हुआ है। इसके बाद शाम 3:53 पर मुकेश कुमार नाम के एक व्यक्ति ने मैसेज भेजा। लिखा था, बाबूलाल खराड़ी को बोल देना कि गोलकुंडा माताजी पर पधारने से पहले 2 बार सोच लें। इसके बाद एक और मैसेज भेजा, इसको मारना है या जिंदा रहना है। तीसरा मैसेज, इसने आज तक लोगों के बारे में कभी सोचा है। अंतिम और चौथा मैसेज भेजा गया, हमारे हाथ लग गया तो मर जाएगा। जब बाबूलाल खराड़ी को इस बात की जानकारी शाम तक हुई, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को डिटेन कर लिया।